আসানসোল পৌর নিগমের 23 নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত আলিপুরের কয়েকজন মহিলা আজ আসানসোল পৌর নিগমের মেয়র বিধান উপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করে তাদের নিরাপত্তার জন্য অনুরোধ করেন। তারা জানান, 23 নম্বর ওয়ার্ডের আলিপুর এলাকায় আজহার, সাদরুল, ইশরাত সহ বেশ কয়েকজন গত 22 তারিখ রাতে ওই এলাকার একটি বাড়ি থেকে 10 বছরের এক কিশোরীকে তুলে নিয়ে পাশের রাস্তায় নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়। তিনি জানান, ওই সময় ওই ছাত্রী তার মায়ের সঙ্গে ঘুমিয়েছিল, বাড়িতে পুরুষ বলে কেউ ছিল না। তার সুযোগ নিয়ে দুষ্কৃতীরা এই ধরনের ঘটনা ঘটানোর চেষ্টা করে। তারা এ বিষয়ে স্থানীয় থানায় অভিযোগ দায়ের করেন, কিন্তু দোষীদের এখনো গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ, যার ফলে দিন কাটছে আতঙ্কে। এই ঘটনার বিষয়ে মেয়র বিধান উপাধ্যায়কে বলা হলে তিনি বিষয়টি দেখার আশ্বাস দিয়েছেন। चार दिन पहले 22 तारीख को जानते हैं क्या हुआ है कि 10 साल का छोटा बच्ची है, बच्ची को टांग के 6-7 जन मिल के गली में लेके चल गया। ले जाने के बाद बच्चे के वीडियो दिखाए, छाती उती भी नोच लिया है, पैंट उठ सब खोल लिया। उसका माँ बचाने की कोशिश की, उसका माँ को बहुत मारा, ठीक है। अब कल आया, 3 दिन के बाद उसका माँ घर में नहाने के लिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में था, 3 दिन के बाद नहाने के लिए आया, बोला बच्चा तो बच गया ना, तुमको नहीं छोड़ेंगे अगर केस करेगा तो हम लोग को डर हुआ जान में। हम लोग कॉर्पोरेशन आया, पाड़ा का सारा आदमी गर्म हो गया कि तुम लोग का गुंडागिरी का, वो लोग थोड़ा क्रिमिनल है सर, गुंडागिरी करता है। गुंडागिरी कह रहे हैं उन लोग का, हमारा क्या होगा, वहाँ पर रहने वाला ना बाहर का नहीं, वहाँ ही के रहने वाले हैं, हम लोग डरते हैं उन लोग से। जगह का नाम क्या? अली नगर, अली नगर। वो लोग का नाम क्या? अजहर नाम है उनका, उसका नाम सदरुल है, इसरा तेई सब है, रब्बानी। तो आप लोग क्या थाना में कंप्लेन किए थे? हाँ, हम लोग कंप्लेन किए। तो थाना में कोई एक्शन लिया? अभी नहीं लिया, तब ना आए सर यहाँ। अगर बाई चांस मेरा बच्चा मर भी जाए तो हम रो